प्रमोद प्रेमी के शादी में प्रियंका गई हुई है, ठीक, हम फोटो देंगे आपको। प्रमोद प्रेमी के शादी में प्रियंका गई हुई जी, हम फोटो देंगे आपको, आप लगा दीजिएगा। तुम्हारे चैनल पे हम पहली बार दिखा रहे हैं, जानते ना हम जल्दी सबको नहीं दिखाते। जूम कीजिए यहाँ पे, जूम कीजिए यहाँ पे। चलती है प्रियंका शादीशुदा जी, प्रियंका शादीशुदा है, उसके बाद भी इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अच्छा, इस सब के खुलासा समीर चौधरी कर, तू देखना। ये लड़की जो है ना आई थी इंडस्ट्री में, प्रमोद जी काम दीजिए, हीरोइन बनाइए। नाक नक्शा सही नहीं था इसका, नाक चिपता है। समीर चौधरी बिक गया के गले करे, कमेंट आए समीर चौधरी बिक गया कि प्रमोद प्रेमी के सपोर्ट में। जखनी प्रमोद प्रेमी कुछ ऐसे ऐसे मॉडल हैं जो कि जल्दी में हीरोइन बनने के चक्कर में कोरियोग्राफर से मरवा लेगा, सिंगर सबसे, मतलब कुछ प्रमोद प्रेमी के दो को हाथ काट के और दो को टांग काट देगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रमोद प्रेमी जेल जाए चाहे जहाँ जाए, वो फिर रिटर्न ऑफ पटना आएंगे। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप किसी का भलाई करते हैं, तो आज के समय भलाई के नहीं है, भलाई की ज्यादा भाला एकदम जड़ तक घुसाता है एकदम। और हम बता देते हैं प्रमोद प्रेमी जी, आप मत घबराना, आपके साथ पूरा भोजपुरी समाज है जमाना। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी सोशल मीडिया पर एक खबरें देख रहे होंगे जो कि प्रमोद प्रेमी को लेकर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद प्रेमी अभी चर्चा का विषय बना हुआ, आखिर क्यों बना हुआ, आखिर ऐसी वो कौन सा हरकत कर देते हैं जो सोशल मीडिया पर वो छाए रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है उनके ऊपर कि एक लड़की है जो उसका आरोप लगा रही है प्रमोद प्रेमी पर कि शादी का झांसा दे करके यौन शोषण मेरे साथ करते हैं, उसके बाद मुझे छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बर्थडे में प्रमोद प्रेमी अपने बच्चों के साथ एक फ़ोटो वायरल करते हैं, जिसके बाद हंगामा मच जाता है और FIR दर्ज भी हो जाता है प्रमोद प्रेमी पर। अभी मेरे साथ एक्टर समीर चौधरी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा नाम बनाए हुए हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं नहीं, सच्चाई उच्चाई कुछ ना, झूठी हो क्या झूठी? देखो तुम्हारे चैनल पर हम पहली बार दिखा रहे हैं, जानते ना हम जल्दी सबको नहीं दिखाते। जूम कीजिए यहाँ पे, जूम कीजिए यहाँ पे। यही ना, कौन है यही ना जेकरा बारे में बतिया रहे हैं? यही ना है प्रिया कुमारी, है प्रियंका, हाँ यही ना है। आएगा बच्चा देखना कितना बड़का गो है। अब हमको आप एक बात बताइए कि कोई बच्चा इतना बड़ा 10 साल का बच्चा को अगर कोई कुछ भी सिखाएगा, उन्हें बोलेगा जो सिखाएगा मैया वही ना बोलिएगा वो। ये जो है ऑलरेडी शादीशुदा लड़की है, मतलब प्रियंका शादीशुदा जी, प्रियंका शादीशुदा है, उसके बाद भी इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। अच्छा, इस सब के खुलासा समीर चौधरी कर, तू देखना। बहुत बड़ा खुलासा करे क्योंकि अभी तक किसी को ये बात पता नहीं है। कुछ नहीं अभी खुलासा किया, अब करेंगे, अब करेंगे क्योंकि, और हम बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी में आए दिन ही देखा जाता है कि जो स्टार अगर बड़ा हो जाता है और कंटिन्यू उसके साथ अगर कोई लड़की काम करती है तो भैया वो कर अब दम दुल्हनिया हो गलो। हाँ, दम यही वाला बात हो जा। अरे भैया खेसारी जी भी रानी के साथ काम करता है, एक मैंने रानी कभी बोली है बेचारी कि खेसारी लाल ये हुए? ऐसे ऐसे लोग का जिंदगी में कभी विकास होगा? कभी भी कुछ नहीं। हम प्रमोद प्रेमी का सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन हाँ यही प्रमोद प्रेमी है जब चिराग पासवान से मतलब गाना गाया था गलत वाला, समीर चौधरी जम के विरोध किया था, गनमोट डिलीट हो गया था। आखिर तो आज के डेट में देखिए भाई जी, आज के डेट में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप किसी का भलाई करते हैं, तो आज के समय भलाई के नहीं है, भलाई की ज्यादा भाला एकदम जड़ तक घुसाता है, एकदम बौसीर उखाड़ देता है। नहीं तो प्रियंका का ये आरोप है कि प्रमोद प्रेमी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, आज 10 साल के बाद पता चलता है प्रियंका को कि प्रमोद प्रेमी शादीशुदा है, दो बच्चे का बाप है, जिसके बाद प्रियंका FIR दर्ज कर देती है। आप अपने ही इस चैनल पे नीचे में स्क्रोल में जरूर लगा दीजिएगा फोटो कि प्रमोद प्रेमी के शादी में प्रियंका गई हुई है, ठीक, हम फोटो देंगे आपको। प्रमोद प्रेमी के शादी में प्रियंका गई हुई जी, हम फोटो देंगे आपको, आप लगा दीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में सब बात पता है। देखो कहानी सुन लो समीर चौधरी से, ये लड़की जो है ना आई थी इंडस्ट्री में, प्रमोद जी काम दीजिए हीरोइन बनाइए, नाक नक्शा सही नहीं था इसका, नाक चिपता हो, तो मैंने हाइट ठीक हलो, तो प्रमोद प्रेमी के लगा कि चलो हमारे हाइट के लेवल में है, बढ़िया है, कंटिन्यू काम करेंगे तो चेहरा बन जाएगा इसका भी। कंटिन्यू बेचारा काम देने लगा, कम पैसा ही दे या जो भी है, कंटिन्यू काम दिया, स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी दिया। अब उसका मतलब ये नहीं ना कि प्रमोद प्रेमी डायरेक्ट कह देवे कि हमारा ब्याह कर लिया अगला से, मैंने क्या एविडेंस आरोप भी लगा रही है कि शादी किया मंदिर में, पूरा खुल के सोशल मीडिया पर, यही नहीं तो पूरा सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। जे मंदिर में वो जाएगा शादी करे, वो मंदिर में भीड़ नहीं लग जाएगा? प्रमोद प्रेमी आलो भी यहाँ करे ना लग जाएगा भीड़? अरे झूठी है। हाँ ये बोलती ना कि बंद कमरा में हमारा से कोर्ट मैरिज कर लिया था, हम मानते कल के चल बंद कमरा में हो सका। प्रियंका बोली है कि उसके परिजन आए, मतलब प्रियंका के परिजन आए और मंदिर में शादी हुआ है, सब जुमला है, खुल के बोल रही है। खाली ओकरे परिजन, NSA नहीं गया होगा? हम प्रमोद प्रेमी की तरफ से कोई नहीं गया? नहीं झूठ बोलते हो? नहीं झूठ बोल रही है, बोल रही है। हाँ हाँ समीर चौधरी के कर लो बराती हो गलो। अरे भैया ब्याह करने तो हम जब तक ना देव ना ब्याह सफल ना हो तो बता दे, ये सब झूठी है, लुच्ची है, ये समाज को बुड़बक बना रहा है।
ये हमारे भोजपुरी के ऐसे से उभरते हुए तमाम कलाकारों से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग के साथ भी कल हो के यही सब होने वाला है। एक वो मॉडल का भैया साल दो साल से ज़्यादा काम ना दे और भगा दे ओकरा। भोजपुरी में जो ये कहा जाता है कि वेट शेयर करना पड़ता है, लड़की को सोना पड़ता है, क्या ये सही साबित हो रहा है? सबके मान लीजिए कि आप अगर दो रुपया नहीं कमाइएगा तो जरूरी है कि आप लड़का है तो आप गांजा दारू अफीम बेचिएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो भोजपुरी में कुछ ऐसे ऐसे मॉडल हैं जो कि जल्दी में हीरोइन बनने के चक्कर में कोरियोग्राफर से मरवा लेगा, सिंगर सबसे, अब मैंने ऐसा ऐसा है ना भाई, तुम जाके देखो, हम तो अंदर से देखे हुए जानते हैं तब बोल रहे हैं, एकदम ऐसे से सटेगा ना, अब हमको गाना दीजिए ना, ऐसे ऐसे पूरा करवावेगा। हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भोजपुरी के फीमेल गायक के कोई बात नाम काहे ना करो भैया, मतलब काम के लिए लड़कियां कुछ भी करेगी? लड़कियां बोलल जाए थे यार, लड़कियां मैंने सब हो गए, अरे कुछ जैसे कि लड़कों में जैसे तुम लोग हो कि इज्जत से दो रुपया कमा रहा है ना, तो दारू ना तो तू ना चाहती के दारू डिलीवरी करवाही तो ढेर रुपया कमाती हल, है गांजा बेचता चरस बेचता, तो सब सब ऐसा नहीं होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के ऐसे लोगों से बचिए, आप लोग भी बता दे रहे हैं फंसा देगा। देखिए जब वीडियो अपलोड होगा सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे कमेंट आएंगे कि समीर चौधरी बिक गया, के कले करे कमेंट आए समीर चौधरी बिक गया कि प्रमोद प्रेमी के सपोर्ट में। जखनी प्रमोद प्रेमी चिराग पासवान ये लालू जी को जब गाना बनाया था उस तरह से तो समीर चौधरी नहीं रहा था जब तक, मैंने हम बिक गई तो कहो जी तोरा उसे का लेना देना बोलो ना, मैंने देखो बोले वाला कमी ना हो भैया, लेकिन हम सच्चाई पे मुखर होकर बात करते हैं। आज की डेट में अगर पिता अपने बच्चों को बड़ा करता है कि बुढ़ापा का सहारा बनेगा तो वो एक भरोसा करते हैं, भरोसे ना होता है, लेकिन पिता को भरोसा टूट जाता है, हाँ बेटा बहू लाते लात मार के निकल जाता है। तो ये अभी का समाज चल रहा है कि जो कराएगा भलाई ओकरा मिलेगा भाला, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोद प्रेमी का छवि तो खराब है क्योंकि स्टेज पर एक शो में इतना ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था कि किस प्रकार से वो गलत गंदी हरकत करते नजर आए थे। एक बात बताइए आप अपने पटना कुछ हो अपना सिटी न्यूज में एकदम खास बात सुनिए, अमरीश पुरी जैसे बड़े विलेन का नाम आप लोग सुने होंगे, दादी परदादी वीडियो है जब तक गरियाता था ओकरा कि आ गलो दो गलवा, कभी भी अमरीश पुरी दिल के गलत आदमी नहीं थे, वो कैरेक्टर ऑफ सीन के गलत आदमी थे। अब प्रोग्राम जहां हो रहा है स्टेज पे, अब मान लीजिए अगला का फरमाइश था कि ऐसा कीजिए या दुगोला में शब्द का भाषा यूज किया जाता है, ओकरा मतलब ये नहीं कि वो आदमी दिल से गलत हो गया, मतलब कहीं पे छू देगा तब का मतलब। अरे भैया जब बड़ा बड़ा पिक्चरों में जब बलात्कार का सीन हो जाता है इकारा कहूं भी छू देगा, अरे कलाकार नहीं जी वो कैरेक्टर न कर रहा था, वो कैरेक्टर में न था उस समय, ऐसा तो बात कर रहा है, अरे हमरा से कोई जीतेगा? सच्चाई पे बात कीजिए, अमरीश पुरी जैसे इतने बड़े विलेन को आदमी जब भगवान मानने लगा है कि नहीं भैया दिल के विलेन आदमी नहीं थे, वो इतना गरीबों के लिए करते थे, तो प्रमोद प्रेमी जी के भी बारे में पहले जानकारी लीजिएगा पूरा, था ना कि ये आदमी क्या है नहीं है क्या कहते हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी अब जेल जाने वाले हैं। अरे भैया तो जेल आ बेल यही तो समाज में लिखा हो, जेल जाके मतलब कुछ प्रमोद प्रेमी के दो हाथ काट के और दो टांग काट देगा, ऐसा थोड़ी होता है। प्रमोद प्रेमी जेल जाए चाहे जहाँ जाए वो फिर रिटर्न ऑफ पटना आएंगे ही आएंगे, और हम बता देते हैं प्रमोद प्रेमी जी आप मत घबराना, आपके साथ पूरा भोजपुरी समाज है जवाना, क्योंकि ये जेल नहीं जाने देंगे इनको, हम जेल जाएंगे तो पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, माने ऐसे ऐसे लोगों की वजह से अगर मान लीजिए कि सब अगर ऐसे करे लगेगा अरे तो समाज कहाँ जाएगा भाई, ऐसे तो कल हो के कोई भी लड़की मुँह उठा के आगे कह देगी हमारा साथ फलाना ऐसे किया वो ऐसे किया, तोरे बारे में बोल देगा कि हाँ हमारा हार्डिंग पार्क में प्रकाश मिला था हमको ले गया ऐसे किया वो किया, हंसे से नहीं होता बाबू, यहाँ बात सच्चाई पे होता है, कोई भी कुछ बोल देगा तो ऐसा थोड़ी है कि लड़का गलत है। अच्छा उस प्रियंका को क्या कहिएगा जो प्रमोद प्रेमी को कहीं ना कहीं बदनाम कर रही है? अभी आपके मोबाइल पे हम दिखाए ना हमारा पास पूरा एविडेंस आया हुआ है, हमारा पास पूरा सच्चाई है, सोनू जी ने पूरा सच्चाई भेजा हमें। कौन है ये सोनू जी? अब पता कर लीजिएगा प्रमोद प्रेमी को कौन है तू न हथुन, सब पता चल जाएगा आप लोगों को, जानकारी लीजिएगा था ना कि जानकारी सब हम ही देते, तो हमारे पास पूरा एविडेंस है इस मोबाइल में, बाकी जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा। लेकिन आखिर कब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार की गंदी हरकत हो रही, कोई ना कोई बदनाम होता ही रहता, आखिर कब तक? कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री तो पहले से बदनाम है। अब जिसका नाम होता है बदनाम वही ना होता है, आज के डेट में भोजपुरी है ना बिहार का भारत का नाम रोशन कर रहा है, काहे लगी लॉलीपॉप गाना बदलो अनिल अंबानी अनंत अंबानी के बिहावा में बदले ना हाल, पवन सिंह भी गए थे आ गाना देखे थे दो मिनट का नचा दिया, दो मिनट में पूरा मैंने बॉलीवुड नाच गेलो और वही ना जॉन सिन्हा नाच रहा था, यानी कि हॉलीवुड वाला, यानी कहीं भोजपुरी का बोलबाला पूरा दुनिया में है। दुनिया में नहीं तो हमारा तो लगाओ कि एलियन उलियन भी गाना सुनो तो हमने के इतना हमने के बढ़िया बढ़िया गाने रहता है यार, हाँ बड़ी खतरनाक खतरनाक गाना। वीडियो के एंड में प्रमोद प्रेमी और उस प्रियंका को क्या कहिएगा? देखिए हम प्रियंका को ये कहेंगे कि देखिए आप लोग एक दूसरे माने प्रमोद प्रेमी अगर आपको इतना काम दिए आपको नाम दिए पहचान दिए तो ये तो भैया ऊपर में भी आपको माफ नहीं किया जाएगा कि जो आपको नाम दिया आप उसको बदनाम कर रहे हैं और समाज में बहुत बड़ा गाली होने का बात हो रहा है कि देखो प्रमोद प्रेमी इतना साल काम दिया और उसके बावजूद भी देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। देखिए अगर जांच पड़ताल होगा कहीं ये सही साबित हो गया कि प्रमोद प्रेमी गलत हो तो क्या करिएगा?
कहे क्या कीजिएगा, जांच में सही साबित हुआ तो। हमारे पहले हमारा कहना है कि जब जांच में सही साबित होवे ना कर तो भाई होगा ही नहीं, नहीं होगा। क्योंकि एक बात बताओ, देखो अपना अनुभव नहीं बोलता है, 10 साल ही दोनों साथे रहा, 10 साल में एगो 9 साल के बच्ची है करा, एगो 6 साल के 7 साल के, मैंने 10 साल में तू 2 गो बच्चा बिया देगा खचा खच, नहीं ना। तो ये सब देखो जुमला है ऑलरेडी, अगर पहले से यानी कि पैसा मांगा जा रहा होगा, कुछ भी ऐसा बात होगा, डिमांड हो रहा है भाई, समझने की कोशिश कीजिए ना। तो अच्छा घर के कोई ऐसे करता अगर पैसा मिल जाता लड़की को तो शायद ये सब चीज नहीं आता सोशल मीडिया पर। हाँ, चुपचाप वो अपने दम कल्टी मार देते, ओहो में चुपचाप नहीं, आज के डेट में कह लू तो सोशल मीडिया यानी अपने आप को पावर मैंने स्टार बना देना है, ये होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से समीर चौधरी कह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी गलत नहीं है और वो प्रियंका गलत है, प्रियंका पैसे के लिए कुछ भी आरोप प्रमोद प्रेमी पर लगा रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में और समीर चौधरी की बातों को आप लोग कैसे देखते हैं नीचे कमेंट कर आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।